सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएनएम क्लास में। सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से धन्यवाद जिन्होंने यूपी बोर्ड 2020 की परीक्षा में अपने और अपने जिले का और उसके साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उसके लिए एवरी क्लास और मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ इस यूपी बोर्ड 2020 की सफलता के हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का आज पहला वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल बताऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और इस मेरे वीडियो को पहली बार, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको मेरा ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल जो है वो आपको पसंद आए और उससे आपका बेस क्लियर हो जाए, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस की कहानी और देखते हैं कि क्या है प्रॉफिट लॉस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ और हानि को हम कहते क्या है। जैसे लाभ है ये, और यहाँ मान लीजिए हमने लिख लिया हानि, ठीक है, हानि। अब लाभ को हम एक शब्दों में कहते हैं मुनाफा। लाभ को हम अपने एक शब्दों में कहते हैं मुनाफा। लाभ को हम एक अपने शब्दों में कहते हैं वृद्धि। लाभ को हम अपने एक शब्दों में कहते हैं वृद्धि, यानी लाभ को हम मुनाफा भी कह सकते हैं, वृद्धि भी कह सकते हैं, और तीसरे शब्दों में कह सकते हैं फायदा, ठीक है, फायदा, तीसरे शब्दों में इसको कहेंगे फायदा। उसी तरह से हानि को हम क्या कहेंगे, अगर ये मुनाफा है तो यहाँ हम कहेंगे कि हानि जो है वो घाटा होता है। यहाँ अगर वृद्धि है तो हानि को हम अपने शब्दों में कहेंगे ये कमी है। अगर यहाँ लाभ में फायदा है तो यहाँ कहेंगे हम क्या कि नुकसान है, ठीक है, नुकसान है। तो ये हो गया लाभ और हानि के कुछ वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने बेसिक जिंदगी में, कि लाभ मुनाफा होता है, वृद्धि होता है, फायदा होता है, और हानि जो है वो घाटा होता है, कमी होता है, और नुकसान होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाभ की। लाभ की तो लाभ जो है, और लाभ और हानि दोनों की बात करेंगे। लाभ और हानि दोनों हमेशा हमेशा डिपेंड करते हैं, ठीक है, हमेशा डिपेंड करते हैं किस पे, सीपी और एसपी पे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि लाभ और हानि हमेशा डिपेंड करते हैं सीपी और एसपी पे, यानी कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा लाभ और हानि डिपेंड करते हैं, ठीक है। कास्ट प्राइस मतलब जो खरीदा गया मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो बेचा गया होता है, ये इन दोनों पे लाभ और हानि हमेशा डिपेंड करता है, ठीक है, लाभ और हानि हमेशा इन दोनों पे डिपेंड करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बेसिक से एकदम आपको समझाएंगे, घबराइएगा मत, बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा मित्रों, तो आपका पूरा का पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब मैं आगे आपको सवाल बताऊंगा, तो सवाल बेसिक बताऊंगा और धातु ट्रिक भी इसका बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लेते हैं, सबसे पहले हमारा है सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कह रहे हैं सॉरी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिसको कहते हैं हिंदी, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब सीपी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज 50 रुपए में खरीदा, कास्ट दिया यानी क्रय किया कितने में, 50 रुपए में, 50 रुपए में क्रय किया, और हमने सेलिंग कर दिया उसे 60 रुपए में, यानी हमने उसे बेच दिया 60 रुपए में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने 50 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसे हमने बेचा है कितने में, 60 रुपए में, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10 रुपए का है। सामने आपको दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है कितने का है, 10 रुपए का है। तो नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा, अगर आपको नहीं देखना है वीडियो, देख रहे हैं तो देखते देखते आप नोट्स भी लिख सकते हैं, उसके बाद उसे पढ़ सकते हैं। तो नोट में लिखिएगा कि जब सीपी
जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमेशा लाभ होगा, ठीक है। नोट मिल जाएगा, सीपी यानी कास्ट प्राइस हमने दिया किसी चीज का 50 रुपए और एसपी यानी हमने उसे बेचा 60 रुपए में सेलिंग किया है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। तो नोट में लिखिएगा कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कास्ट प्राइस से तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। इस बात को एकदम नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आइए अब लीजिए, इसी में चेंजिंग कर दीजिए, यहां आप कर दीजिए एसपी और यहां आप विक्रय मूल्य कर दीजिए, ठीक है। सेम चीजें रहने दीजिए, इसको यहां से मिटा लीजिए और ये थोड़ा सा बस मिटा लीजिए आप, ताकि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतने ही हम अपनी बातों को जो है समझ आएंगे। अब देखिएगा, अब हमने कास्ट प्राइस यहाँ 50 रुपया दिया और किसी सामान का हमने अपने पॉकेट से खरीदा और हमने उसे बेचा 40 रुपए, कितने में बेचा 40 रुपए। अब हमने कास्ट प्राइस दिया 50 रुपए किसी चीज का लेकिन खरीदने के लिए, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो 40 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा जो लॉस हो रहा है, हमारा जो जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, वो 10 रुपए का हो रहा है, ठीक है, 10 रुपए। तब नोट लिखिएगा, जब सीपी बड़ा हो एसपी से तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ध्यान से देख लीजिए, एसपी विक्रय मूल्य यानी सीपी हमने कास्ट प्राइस दिया 50 रुपया और उसको सेलिंग किया 40 रुपया में, लॉस हमारा 10 रुपया। तो नोट साफ लिखेंगे, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट चार्ट ग्राफ बताने वाला हूं यहां पे, कि उस चार्ट ग्राफ के जरिए आप अपने फार्मूले को आसानी से याद कर लेंगे, आपको फार्मूला रटने की एकदम भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 6, 7, 8 से लेकर 10वीं तक आप फार्मूले को जो है रटते होंगे, लेकिन अब यहाँ आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे इस ग्राफ को जो मैं आपको बताने, देखिएगा मेरा वो इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर बेसिक फार्मूला कह लीजिए, तो सबसे पहला लीजिएगा उसमें पहला, ठीक है। अब मैंने लिखिया यहाँ पे, लिख दिया सीपी और सीपी हमने जो है कोई चीज खरीदा 100 रुपए में, ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहाँ हमने लिख दिया एसपी और एसपी हमने किया यानी सेलिंग किया 120 रुपए में, ठीक है। हमने कोई चीज अपने पॉकेट से खरीदी 100 रुपए में और हमने उसे सेल कर दिया 120 रुपए। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो लाभ हुआ है यानी जो हमारी प्रॉफिट हुई है वो हुई है 20 रुपए। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि हमारी प्रॉफिट 20 रुपए की हुई, लेकिन आपको पता कैसे चला, कैसे पता चला कि आपको 20 रुपए की प्रॉफिट हुई है? तो आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट जानने के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू आपने क्या किया, एसपी से सीपी को घटा दिया, एसपी से सीपी को घटा दिया। प्रॉफिट जानने के लिए क्या किया, प्रॉफिट जानने के लिए आपने एसपी से सीपी को घटा दिया। क्यों, क्योंकि एसपी हमारा 120 है यानी हमने सेलिंग किया 120 में लेकिन हमने कॉस्ट किया था उसे 100 रुपये में, तो प्रॉफिट जानने के लिए एसपी से सीपी घटा दिया। तो यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हिंदी में आपने पढ़ाया होगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से होते हैं। तो ये हो गया हमारा इसके अनुसार पहला फार्मूला। अब ध्यान से समझिएगा दूसरे फार्मूले, अगर मान लीजिए हमने प्रॉफिट की जगह इसको इसकी जगह पर रख दिया, इस प्रॉफिट की जगह हमने सीपी को रख दिया, यानी ध्यान से समझिएगा हमने सीपी रख दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमारा सीपी प्रॉफिट की जगह है, ठीक है, सीपी हमारा प्रॉफिट की जगह है, तो हमारा एसपी वहां पहले से ही मौजूद है, मतलब हमको प्रॉफिट को इसके पास में, हम इसको यहां रोक लिए हैं तो जाहिर सी बात है ये पहले से है, तो प्रॉफिट को हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, देख लीजिए कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब इसको आप पुट करेंगे अगर वैल्यू को, ध्यान से तो 100 को अगर यहां पुट करते हैं तो 120 यहां पुट करते हैं और 20 यहां पुट करते हैं तो सीपी के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा
दूसरा फार्मूला। अब आइए तीसरे फार्मूला। अब इस प्रॉफिट की जगह सीपी रखा है, लेकिन अभी अब इस सीपी की जगह हम एसपी को रखते हैं। हम कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे रख लेते हैं एसपी को, यानी कि हम सेलिंग प्राइस को याद रखते हैं। तो अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस को रख लेते हैं यहीं पे, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट पहले से वहां मौजूद है, तो हमारा प्रॉफिट पहले से मौजूद है और हमने सेलिंग प्राइस को ये रखा है, तो एसपी जो है उठ के इसके पास आएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस में। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट या सीपी की जगह रख लेते हैं, इन दोनों की जगह यहाँ इसकी जगह पे इसको रख लिया। तो हमने 120 रुपया को यहाँ रख लिया, यानी हमने जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसको हमने यहाँ रख लिया। तो हम प्रॉफिट को वहाँ ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो हम सीपी को उठा उसके प्यास ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी यहीं से देख लीजिए, अगर हम एसपी को यहाँ रोक लेते तो ये प्लस है, प्रॉफिट यहाँ पहले से उठा के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस में जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला कि विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, इसको हिंदी में कहेंगे। तो ये तीन फार्मूले हैं जो आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाए गए हैं, लेकिन हम और आप इसको दसवीं तक रटते थे, रट्टा मारते थे, और कभी कभी तो हम लोग एग्जाम में भूल भी जाया करते थे। ठीक है, ऐसा सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरा और लेते हैं दूसरे फार्मूले का। देखिएगा, अब हम इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लेते हैं सीपी को 100 रुपये, यानी हमने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और हमने उसे बेच दिया 80 रुपये। ठीक है, अब क्या किया, हमने पॉकेट से अपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और हमने अब उसे बेचा, सेल किया, सेलिंग प्राइस किया 80 रुपये में। तो इन सिचुएशन में हमारा क्या हुआ, 20 रुपये का लॉस हो गया। क्या हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। तो सबसे पहला जो फार्मूला बनता है इससे, वो क्या बनता है कि हमारा लॉस हुआ। कैसे जाना आपने लॉस हुआ, जब आपने से कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाया, तब आपको पता चला कि आपके सामान में जो है हानि हुआ है। यानी कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये किस सिचुएशन में, हानि की सिचुएशन में। ठीक है, नंबर दो आ गया। अब हम इसी लॉस की जगह हम कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस को रखना चाहते हैं। इस लाभ लॉस की जगह हम क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट प्राइस को रखना चाहते हैं। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ रखते हैं, तब हमारा हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। भाई जाहिर सी बात है, जब 100 को यहाँ रखेंगे तो ये माइनस है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप सेलिंग प्राइस यहाँ रखते हैं, सेलिंग प्राइस क्या, सॉरी कॉस्ट प्राइस जब आप यहाँ रखते हैं, तो सेलिंग प्राइस उठ के लॉस के पास आ जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस में बना देगा। ठीक है, आइए तीसरा देख लीजिए। अब हम कह रहे हैं जनाब कि सीपी की जगह और लॉस की जगह हम जो है ले आके सेलिंग प्राइस को रख रहे हैं एसपी को, हम अब इसको रखना चाहते हैं। तो जब हम इसको रखना चाहते हैं, ये उठ के आया इधर तो प्लस हो गया, तो सीपी वहां पहले से है, कास्ट प्राइस पहले से है, लॉस उठ के उसके तरफ चला जाएगा तो लॉस माइनस में हो जाएगा। मीन्स ये होगा कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। ये हिंदी में मतलब, और इंग्लिश में भी यहाँ आसान पड़ता है इस तरह से, इसलिए छोटा छोटा लिखिए, आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैं बोल भी रहा कि हानि बराबर हो रहा है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और आपका ये विक्रय मूल्य बराबर हो गया हानि प्लस, ये आपका हो गया हानि प्लस सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। इस तरह से आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। तो दो सिचुएशन था, पहला इसके पहले क्या था, जब सीपी हमारा यानी कास्ट प्राइस हमारा 100 रुपये था, लेकिन हमने सेलिंग किया था 80 रुपये में, तो फार्मूले में चेंजिंग आई, तीन फार्मूले बने इससे। और जब हमने सेकेंड पार्ट लिया, यानी हमने सीपी 100 रुपया, यानी हमने कास्ट प्राइस अपना 100 रुपया ही पॉकेट से दिया, लेकिन सामने वाले को बेचा तो हमने लॉस करा लिया 20 रुपये का अपना, तो उस सिचुएशन में हानि की जो चार्ट है ये फार्मूले की ये बनी। तो तीन उधर और तीन इधर, छह फार्मूले जो बचपन में हम लेके रटा करते थे और भूल जाते थे,
आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है इस ग्राफ को, जो इसके पहले और इतना बनाया है, इससे आप फार्मूले अपने जीवन में नहीं भूलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और दो फार्मूले और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद से फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद आपका सवाल जो है बेसिक एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा, कुछ सवाल आएंगे और मैं उसको आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, अब जो फार्मूला है उसको बताने से पहले मैंने एक नोट आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। नोट में याद रखिएगा कि लाभ और हानि जो होता है, लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाभ और हानि जो है वो हमेशा सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया कि लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, सीपी हमेशा आधार होता है, यानी किसी भी चीज को निकालने के लिए हम आधार जो बनाएंगे किसको बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस को बनाएंगे, यानी जो हम खरीद रहे हैं उसको बनाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर हमको प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, ये फार्मूला है आपको, मैं ये फार्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट को जानना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हम जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सीपी को आधार मान के गुणे 100 कर देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। यानी हमने आधार किसको माना है, कास्ट प्राइस को, हमेशा आधार किसको मानेंगे, कास्ट प्राइस को। दूसरा, अगर हम लॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लॉस प्रॉफिट क्या है, सिर्फ लॉस अगर हम निकाल रहे हैं, तब हम पहले लॉस निकालेंगे, जिसके पहले फार्मूला था उस लॉस को हम पहले जानेंगे कि लॉस हुआ कितना, उसके बाद हम सीपी पे उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा कि कितना हमारा उसमें लॉस हुआ। तो ये दो बेसिक फार्मूले और हैं जो इन नोट्स के साथ है, ध्यान से देखिएगा। लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है, सीपी हमेशा आधार होता है, याद रखिएगा, किसी भी चीज के लिए, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट प्लस सीपी गुणे 100, और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को जानना हमको जरूरी है, गुणे सीपी का निकालना, सीपी हमेशा क्या है इसमें, आधार है, यहां देखिए सीपी हमेशा आधार है, ठीक है। तो चलिए, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने के बाद अब हम चलते हैं कुछ सवाल की तरफ और लेते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल, जो बेसिक सवाल है जो शुरुआती लेवल का है, जीरो लेवल का है, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको ऊपर तक ले जाएंगे और वहां मैं आपको एक से बेहतरीन सार्थक बताऊंगा। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं जो बेसिक है, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे नीचे आएगा, देखिएगा, और मैं उसका सलूशन भी करूंगा पढ़ के, ठीक। पहला एग्जांपल बेसिक आपके स्क्रीन बोर्ड पे नीचे आ रहा होगा, देखिएगा, और मैं उसका सलूशन भी आपको करने जा रहा हूं। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि किसी कलम को 9.50 रुपया में खरीद कर 16.25 रुपया में बेच दिया जाता है तो कितना लाभ होता है, ठीक है। किसी कलम को 9.50 रुपया में खरीद कर, यानी सीपी है 9.50 रुपया, और एसपी कर दिया जाता है, यानी सेलिंग कर दिया जाता है 16.25 रुपया में, तो पूछ रहा है प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, आपसे सवाल में यही पूछा है, ठीक है। तो बेसिक है, अभी ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, यानी कि शुरुआत हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताने में कर दी है और कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें सवाल होंगे हर टाइप के और ट्रिक होगा, टोटल 45-46 टाइप के इस लाभ हानि के सवाल हैं, जो मैं आपको एक एक वीडियो में लंबा ना करते हुए 60 ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ये हो गई, कॉस्ट प्राइस ये हो गई, तो लाभ बराबर, तो लाभ बराबर आपको क्या पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही आपका फार्मूला है। तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 16.25 रुपया और माइनस 9.50 रुपया, तो घटा लीजिए, 5 का तो ये 5 ही हो जाएगा, 12 से 9 गया ये 7 हो जाएगा,
6.9615 6.75 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.75 रुपया। ठीक है, यानी हमारा लाभ कितना हुआ इस कॉलम में 6.75 रुपया हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए कुछ और सवाल लेते हैं। देखिएगा बेसिक है ये, अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसिक चल रहा है, तो ये जीरो लेवल का है। चलिए एक और सवाल देखिएगा, कह रहा है किसकी किसी किताब को 120.25 रुपया में खरीद कर उसे 111.75 रुपया में बेच दिया जाता है तो कितने रुपए की हानि होती है। ठीक है, अब देखिएगा किताब को 120 रुपया में खरीद कर कॉस्ट प्राइस है उसका 120.25 रुपया, सेलिंग प्राइस है उसका 111 रुपया, कितने पैसा है 111.75 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट है 75 पैसे, तो कह रहा है कि तब लॉस कितना होगा यानी हानि कितना। ठीक है, तो यहाँ हमको हानि हो रहा है, हम खरीद रहे हैं यहाँ 120 में लेकिन घटा रहे हैं यहाँ पे, हम कम कर रहे हैं, तो हमारा लॉस बराबर क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा आगे क्या दिया हुआ है 120.725 माइनस 111.75। ठीक है, तो इसको आप घटा लीजिए, 5 का 5 ये आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 111 यहाँ हो जाएगा 8.50 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.50 रुपया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.50 रुपया। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट सवाल की तरह फटाफट लीजिए कुछ और सवाल बेसिक, और आपका कॉन्सेप्ट ये बेसिक के साथ विथ एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। 8.50 रुपया क्वेश्चन के अंदर हुआ। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी घड़ी को 165 रुपया में खरीद कर 181.05 रुपये में बेच दिया जाता है तो घड़ी पर कितना लाभ प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, समझिएगा, कह रहा है कि उस घड़ी को 165 रुपया में खरीदा जाता है, कास्ट प्राइस उस घड़ी का दिया जाता है 165 रुपया और सेलिंग प्राइस उसका आपका यानी बेचने वाला जो प्राइस है हमारा वो कितना है 181.05 रुपये। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए उसका कितना होगा, यानी हमसे उस सवाल क्या पूछा है लाभ प्रतिशत बार है हमारा कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रॉफिट प्रतिशत पूछे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ कितना है। लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर जान लीजिए, क्योंकि हमको प्रॉफिट जानना है तो इन दोनों के बीच में प्रॉफिट पता होना चाहिए हमको। तो इन दोनों के बीच का अंतर मतलब ये होगा कि 181.5 और ये 165.00, यहाँ भी जीरो कर लीजिए, इसको घटा लीजिए तो ये आपका 5 होगा, पॉइंट आ रही है 11.5651 और आपका ये हो जाएगा 1, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका कितना प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट हुआ 16.50 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट हमारा यही है, तो 16.50 बटे हमेशा मैंने किस पे बताया था सीपी पे, तो सीपी हमारा कितना है 165 × 100। इस पॉइंट से इस 10 को आप काट दीजिए, इस पूरे से 165 को काट दीजिए, ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। भाई पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए और जीरो से जीरो को हटा दीजिए तो 165 भी हो गया, 165 भी हो गया, तो आपका ये हो गया 65 और ये 10% यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, यानी हमारी प्रॉफिट जो होगी क्या होगी 10% होगी। चलिए आगे बढ़िए, लीजिए एक और सवाल स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने होगा, देखिएगा सवाल, देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को 1900 रुपया में खरीदा जाता है और उसे 1710 रुपया में बेच दिया जाता है तो कह रहा है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। 1900 रुपया में खरीदा जाता है और 1710 रुपया में बेच दिया जाता है, सीपी किया जाता है 1900 रुपये में, एसपी किया जाता है 1710 रुपये में, दोनों के बीच का जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, दोनों के बीच लॉस होगा तो लॉस हुआ कितना हुआ, तो लॉस यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप घटा भी सकते हैं सीधे सीधे 17 10 0 10 हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8 1, ये खत्म हो गया। ठीक है,
देख लीजिएगा, जीरो यहाँ 10 में से 1 गया, 9 यहाँ 8 हो गया, 8 में 7 गया 1, ये खत्म हो गया, 190 रुपया लॉस हुआ। तो हमसे क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत पूछा है। तो लॉस प्रतिशत मतलब जो लॉस हुआ है वो 190 बटे सीपी कितना है 1900 और ये हो गया 100। इस जीरो से इसको काट दीजिए, इस जीरो से इसको काट दीजिए, ठीक है। 19 से 19 को काट दीजिए तो ये हो गया 10%, यानी हमारा इस पे लॉस कितना हुआ 10% का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%, यानी हमारे सवाल में कितने की हानि हुई वस्तु पे 10% की हानि, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक है, देखिएगा जो शुरुआती जीरो लेवल होता है वो है, ये जीरो लेवल है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, तो ये जीरो लेवल का है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक से एक अलग टाइप के क्वेश्चन इस बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ और सवाल लीजिए। आइए देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक और सवाल आ रहा है, देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 9000 में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 11 से 1/9% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा सवाल में, इसमें विक्रय मूल्य पूछ लिया है। हमने आपको तीन फार्मूले बताए थे, तीन लाभ से संबंधित और तीन हानि से संबंधित। तो कह रहे हैं किसी वस्तु को 9000 में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 11 से 1/9 का लाभ होता है। सीपी दिया है 9000 रुपए, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है हमारा, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत हमारा कितना दिया है 11 से 1/9%, जिसको आप लिख सकते हैं 100/9%, ठीक है, 99/100, ठीक है। हमसे एसपी पूछा है, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है। तो देखिएगा इस बेसिक में मैं आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ट्रिक जो है मैंने आप सेट किया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊँ। जब भी इस तरह के प्रॉफिट या प्रॉफिट की तरह सवाल पूछे या लॉस वाला सवाल पूछे, तो जब भी एसपी पूछे विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पूछे, तो क्रय मूल्य की बात बात करेंगे, पहले जो है विक्रय मूल्य जब भी पूछे तो आप कुछ मत करिए, 100 कर लिए और प्लस जो हमारा प्रॉफिट दिया है उसको वहां लिख लीजिए 9। अब इस परसेंटेज के लिए इसके नीचे लिख दीजिए 100। किस परसेंटेज के लिए, ये जो परसेंटेज लगा है इसके लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई 9000 जो हमारा सीपी दिया हुआ, बस इतना ही आपको करना है। 100 प्लस जितना परसेंटेज उतना 100 और जो हमारा सीपी दिया है वो। अब आप कुछ मत करिए, सीधे आप पीछे यहाँ एलसीएम लेंगे 1, तो ये 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000, तो 1000 बट्टे आपका हो जाएगा 9 ये, और पूरे का बट्टे आपका हो जाएगा 100 नीचे वाला, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9000। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000/900 गुणे 9000, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो इन दो जीरो नौ से इन दो जीरो नौ कट गया, तो यहाँ बचता है 10, और 10 का जब इसमें गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 10000, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10000, यानी सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी 10000, यानी जो हमसे पूछा था उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 10000। तो हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे उसने पूछा था कि लाभ तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10000 रुपया होगा, जिसपे इतना प्रॉफिट हुआ और सीपी इतना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एक और सवाल लीजिए, इस वीडियो का आखिरी सवाल, और इस सवाल के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक लेवल को भी समझ गए होंगे। देखिएगा सवाल है 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेची जाए, सीपी है, कास्ट प्राइस 450 रुपए है और इसका प्रॉफिट है हमारा 10%, कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो, तो हमको क्या निकालना है एसपी। तो हमने क्या ट्रिक बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपको ट्रिक बताया था कि आप कुछ मत करिए, जब एसपी पूछे तो सीधे पहले 100 करिए, आप प्लस जो प्रॉफिट दिया है उसका 10 और उसके प्रतिशत का बट्टे 100 कर दीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई जो कास्ट प्राइस दिया है उसको उसके बगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा सीधे सीधे ये आपका हो गया 110 ऊपर बट्टे 100 और गुणे 450, इस जीरो से इस जीरो काटिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा 100 से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक इस जीरो से इसके एक जीरो को हमने काट दिया। अब यहां बच गया हमारा 11 गुणे 45,
अब 11 गुणे 45 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 495 रुपया। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 495 ही रुपया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 495 रुपया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट विथ बेसिक एग्जाम्पल कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने पूरा देखा है और आपको लगता है कि आप इस चैनल के माध्यम से मैथ सीख सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर इसी प्रॉफिट लॉस से संबंधित अगला टाइम विद बेसिक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।